सो हे व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मैन 12। तो बस हमने स्किन ही चेंज करने की मैं आजकल सोचते रहता हूँ, मतलब ये स्किन ज़्यादा अच्छी है क्या, फिर वो फ्लेमिंग बॉय वाली क्या, फिर मेरी वो कूल गाय वाली, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो पर आज नेदर का एपिसोड, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही नेदर का एपिसोड होएगा मैं वो रेड वाली फ्लेमिंग बॉय की स्किन ले लूँगा, तो मेरे को वो करना पड़ेगा अभी। तो ये मेरी हॉन्टेड स्किन है गाइस, मैं इसको हेलोवीन अक्टूबर में हमेशा पहन के रखूँगा, जैसे अक्टूबर आएगा तब पहन के रखूँगा। तो अभी चल देते हैं 1.16 स्नैपशॉट वर्ल्ड। तो आज का प्लानिंग मेरा है, तो जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, अपग्रेडिंग माय हाउस इन माइनक्राफ्ट नेदर। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ जो रेजल एक्सल का हाउस है थोड़ा बहुत उसके जैसे ही बनाने वाला हूँ मैं। तो मैं बाहर कैसे आ गया, ओके ठीक है। तो अब मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ओके बस पर मुझे थोड़ा बहुत देनी चाहिए। हम स्टोन ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। और हाँ गाइस, आपको बताना भूल गया, मैंने पूरा फुल आयरन आर्मर बना चुका हूँ मैं, फुल आयरन आर्मर। तो ये अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत गोल्ड से ज़्यादा अच्छे। ब्रो 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 ब्रो, ओके अभी तक मारता है। अरे भाई गेट बंद करना तेरी, तो ठीक है मेरे को ये मतलब मुझे मारते हैं। पर जो नेदरराइट स्वॉर्ड है उसने कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं ली और उसने सिर्फ दो झटके में उसको मार दिया। क्या यार, अभी तो दोस्ती नहीं हुई क्या हमारी? हाँ यार, तो गाइस इसके लिए बहुत सारे क्रिम्सन चाहिए होगा, होपफुली मुझे मिल जाए। और ये गधे मेरे को जो मैं वो ये गधे है ना, ये वाले यहाँ पे, उनकी बात कर रहा हूँ। बात बात पे अंदर आना पड़ता है यार। और ये सोल सैंड कब आई यहाँ पे? पहले तो पे नेदर ट्रैक था, सोल सैंड कब आया? हॉगलिन कुछ करते हैं नहीं, हॉगलिन और उनकी फाइट होती रहती है। तो ओके यहाँ से भी ख़त्म हो चुका है, नो खता। यहाँ पे ना मैं आराम से माइनिंग भी नहीं कर सकता, माइनिंग ना ट्री कटिंग। 14 वुड्स बहुत होंगी, चलो चलते हैं। ओके तो हाँ ये बहुत सारी है। तो ओ हाँ, मैंने थोड़ा एक आइटम फ्रेम बनाया था, मेरे को मिल गया था नेदर वॉट ब्लॉक, मेरे को शायद से ही कुछ काम आएगा। मैं सारा नेदर का सामान ले रहा हूँ क्योंकि शायद से ही काम आ सकता है। ओ नन्ना, मेरी रिकॉर्डिंग को ख़राब मत करना। बस ग्लो स्टोन है क्या? हाँ ग्लो स्टोन है। और गाइस मैंने नया चेस्ट बनाया है रेयर्स, तो अब मुझे लैडर कैसे बनाऊँ बे? ओ रेड स्टोन लैप, ओके मुझे रेड स्टोन जी, मैं रेड स्टोन नहीं बना सकता। ओके तो अरे नहीं यार, मेरे को फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। शिट। तो हाँ गाइस, अब मैंने अपनी सीढ़ियाँ बना चुकी है, तो होपफुली 3 सीढ़ी, हाँ 3 लैडर्स एकदम परफेक्ट है। ओ मैं इससे माइन कर रहा हूँ। ओके ओ ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें साफ करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। मोस्ट लाइट, ओ सही टाइम पर सही लगी। ओके वहाँ जाओ, मुझे थोड़ा बहुत गाइस, मुझे अगर बड़ा घर बनाना है तो मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक मिनट में जला के हटा सकता हूँ ना। बैम, ये नहीं हटेंगे। ओ मैन, तो बहुत धीरे धीरे करता है। तो सबसे घटिया ब्लॉक कौन सा है जिससे मैं, ओ हाँ भूल गया, नेदर वॉट ब्लॉक।
तो गाइस मैं मेरे को ये पूरी क्लीनिंग करके मैं पूरी क्लीनिंग आपको दिखाऊं क्या, फिर मेरे को कुछ आपको पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा क्या, फिर मेरे को बाद में करके दिखाऊं। गाइस अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी मुझे अभी के अभी कमेंट्स लिख के बताइए, क्योंकि अगर मैंने दिखा दिया और जो अगर आपको जो ऑप्शन हुआ तो ही मैं कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है इतनी क्लीनिंग अच्छी रहेगी ना। हट जा। मैं इसको हटा दूँ। ओके तो शायद से अब इतना काफ़ी रहेगा, नहीं इसका भी काफ़ी नहीं रहेगा। तो आगे 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 ये क्या, और मुझे लगा ये ब्लैक ट्री कहाँ से आ गया। तो ओके तो अब मेरे को बेटा मैं कितनी बार कह रखा है नीचे जा रुको। बैम 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 ओके सारी गई। अब ग्रेट। तो गाइस मुझे पता है अगर ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो मैं अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं वाह और नेदर गोल्ड सीरियसली। ओके अब मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है, पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ओके तो लेट्स स्टार्ट। ये जाएगा नीचे तो पहले तो मेरे को अपना बे यार क्या प्रॉब्लम क्या है इनको और ट्रीज़ को, मेरा उसके पास ही रहना चाहिए। क्रिम्सन क्यों है, भूल जाता हूँ, ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल ही हाउस मेरा। हट हाँ हट जा। हट बहुत सारी होंगी। तो पहले तो मुझे अपना हाउस एक्सपेंड करना है और ऐसे सच में भाई तू मरने वाला, तेरे को पता है ना। मैंने कहा था तू मरने वाला, तेरे को पता है। मेरी गलती नहीं है, हमने मारा नहीं। क्या यार एनोग्लेंस को क्या प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस अगर अपने रेजल एक्सल के आप एपिसोड्स देखते हो जो कि अभी 3 मिलियन उसने हिट कर चुके हैं, वैसे कि मुझे पता नहीं कितने आप लेते हो रेजल एक्सल, तो सर्च कर लेना रेजल एक्सल। और मैं उससे उसका हाउस इंस्पायर्ड होकर ही देख रहा हूँ, क्योंकि उसका हाउस बहुत सही लगा जब उसने अपना हाउस अपग्रेड किया था, लिखा था कॉन्टेंट डाला था कि अपग्रेडिंग माई हाउस ऐसे वाला। तो मुझे लगा मेरे को भी ऐसा करना चाहिए, सेम हाउस बनाना चाहिए। पर वो डिफरेंस है कि वो ओवरवर्ल्ड में था और मैं नेदर में हूँ, तो मेरे को नेदर में ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ना कौन कौन आ जाता है। और ठीक है इसको माइंड कर लूँ। हाँ तो अब मेरे को बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है ऐसे तरह। थोड़ा एक्सपेंड हो चुका है मेरे को यहाँ पे, शायद से मेरा चेस्ट रूम होगा। ओके तो गाइस ये थोड़ा लंबा एपिसोड होने वाला है, तो एपिसोड 5 है अपग्रेडिंग माय हाउस। और मेरे को ओवरऑल में शायद से जाना पड़ेगा, मुझे सैंड लेनी है थोड़ी बहुत। ओके ओ जी बस और है। ओ मेरे को और मिल गई, और वुड्स मिल गई है। ओके अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतने सारे एक ग्लोस्टोन कैसे आ गया, तो अगर आपने ट्रेडिंग विथ पिगलेंस नहीं देखा तो अभी जाके देख लो। तो गाइज अब मेरा यहाँ पे है कि अब मैं यहाँ पे ना पूरा टू लेयर्स ऑफ ग्लास लगाऊं, पूरा थ्री टू लेयर्स ऑफ ग्लास, फिर मैं उनके ऊपर फिर से लगाऊं एक वुड, फिर मैं ऊपर से उसको कवर कर दूंगा, लाइट रिसोर्सेज डाल दूंगा बहुत सारे, फिर बस। तो अभी प्लान यही है, मुझे भी जाना है फिर से ओवर वर्ल्ड में।
चलो चलते हैं ओवर वर्ल्ड में। बैम 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 बैम, शॉट पकड़ के जाओ। मैं सरप्राइज हो चुका हूँ यहाँ पे अभी। वो 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 मैम मैम मैम, ओह हाँ मैंने सैंड देखी थी थोड़ी बहुत सारी। सैंड 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 सैंड, रुको 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 रुको। बस एक मिनट रुकना, थोड़ा बहुत गेम ग्लिच हो रहा था। शवल नहीं है ना तो इसलिए ऐसे करना पड़ता है। ठीक है ठीक है। सैंड 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 सैंड। ओ मेरे पास टॉर्च है नहीं यार, टॉर्च भी नहीं है। टॉर्च होती ना अभी 2 मिनट में सही हो जाता एकदम। तो मुझे बहुत सारे ग्लासेस चाहिए गाइस, तो मेरे को शायद से टॉर्च ढूंढनी चाहिए थी यार। तो गाइस मुझे लग पता चल चुका है ये व्हाट द हेक, ये शॉट अनब्रेकेबल है। अभी 26 हो चुके हैं, अभी ज़्यादा मुझे, अभी मुझे ज़्यादा चाहिए। थोड़ा टाइम भी लगेगा ना। तो गाइस मुझे थोड़े बहुत रिसोर्सेज के लिए जाना पड़ता है नेदर ओवरवर्ल्ड में। ये कोई चीटिंग नहीं है, मुझे पता है मैंने लिविंग इन द नेदर रखा था तो मुझे सारी चीज़ें नेदर में लेनी है। पर गाइस अभी तक 1.16 में, 1.17 में अभी तक ग्लासेस ऐड नहीं हुए हैं, कोई सोर्सेज नहीं आए हैं। तो गाइस मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। शायद सिर्फ अब फ्यूचर में नेदर राइट बन जाए हमारे थोड़े बहुत ग्लास का सोर्सेज, मुझे नहीं लगता। क्या फिर नेदर सैंड, जो कि नेदर सैंड वैली में मिलती हो। तो गाइस कमेंट करना कि आपको क्या क्या आ सकता है। ओके तो 51 वुड बी इनफ। ओह ठीक है, मुझे और मिल गई। तो गाइस 51 इतनी सारी इनफ होगी। तो अब मैं चल जाता हूँ जहाँ से मैं आया था। वाह वाह वाह, कुछ दिखता नहीं ठीक से है ना। ओह सॉरी, मुझे ठीक से मेरा गेम ग्लिच हो रहा है, सॉरी। ओके अब मेरा सही हो गया। अब मैं डाल देता हूँ उसमें ग्लास पेन। तो गाइस मैं इतनी देर तक आपके लिए वेट नहीं करा सकता हूँ। तो गाइस मैं अभी थोड़ी देर के अभी मैं यूँ आया। तो गाइस अब मुझे मिल चुके हैं 16 ग्लास पेन्स, जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं बाकी सबको हीट होने दूंगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो भी कॉबल स्टोन जो मैंने वहाँ से माइन कर लिए थे अभी तो काम आ रहे हैं। ओके तो आई लाइक दैट। जो ओ मेरे को लगा 16 ग्लास पेन्स इनफ होंगे, पर 16 ग्लास पेन्स तो इनफ है ही नहीं। अच्छा वो मैंने और सैंड ले लिया, मेरा कोल ख़त्म होने वाला है। एक और आप बस फिर से 16 आ जाएंगे, आ जाने चाहिए। ओके फिर से 16 ग्लास पेन्स। यप यप ये ओके। ऐसे तो गाइस हमारे पास, ओ यार मैन हाउ मैनी डज आई नीड। मुझे फ्लोरिंग पे ध्यान देना होगा। 3 ओके, इट इज गोना बी लॉन्ग प्रोसेस। वाटर बॉटल नहीं, मेरे को उस पर वेस्ट नहीं करना। एंड मुझे है टू, मुझे लास्ट चाहिए, एक और दे दो, फिर मुझे 2 लेयर्स बनानी उसकी। शायद से 1 मिनट, एक और 6 चाहिए। ठीक है 6। एक मिनट मुझे देखना, तो रेजल एक्सेल ने 3 लेयर्स बनाई थी क्या, फिर 2 लेयर्स। मुझे लगता है रेजल एक्सेल ने 2 लेयर्स बने होंगी, तो मैं 2 लेयर। अबे यार मैंने तो कन्वर्ट ही नहीं करा। शानदार। अब तो मैं और ठीक है चेक। अब मुझे बनाना है ऊपर से।
ओ नहीं 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 ओ सिल्क टच होता काश मेरे पास। तो गाइस मुझे ये वाला काम बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा थोड़ा सा भी ग्लास गलत जगह पे लग गया तो ये ऐसा हो जाएगा, मेरा ग्लास पेन्स वेस्ट हो जाएंगे। ओके प्लीज प्लीज जैप। ओके 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 तो इस मॉड में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक मॉड ही है, मैं मॉड में खेल रहा हूँ ऐसे ही। तो इस मॉड में हम इसमें इसके स्लैब्स बना सकते हैं, तो मैं नेदर ब्रिक के स्लैब बना सकता हूँ, थोड़ा बहुत बना सकता हूँ मैं ना नेदर ब्रिक स्लैब, हाँ बना सकता हूँ मैं, अभी देखता हूँ। हाँ कितने बन जाएंगे, सिक्स बहुत है हमारे लिए, नहीं है बहुत नहीं है, बहुत कम है। ओके अभी बस और बच्चे हैं, बस एक और मिल जाए तो मुझे 16 प्लस 16 कितने होते हैं मेरे को नहीं पता। ओके तो हमको मिल जाएंगे 16 प्लस 16। ठीक है मेरे को एक और चाहिए, तो अब हमको मिलने वाला है 16 प्लस 16 32। मेरे को इतनी मैक्स नहीं आती, सॉरी मैं बहुत पुअर हूँ। अबे यार मुझे डंची हाँ डंची होगी। गाइस देखो यार एक ग्लास पेन मुझसे डंची करना चाहते हैं, मैं तेरे पास मैं तेरे से डंची नहीं करना चाहता। तो गाइस मुझे लगता है मेरे को ये प्रोसेस स्पीड अप कर देना चाहिए, पर मेरे को रिवाइंड नहीं आता है, तो मेरे को लगता है मेरे को कट ही कर देना चाहिए। अगर आपको देखना है तो ठीक है, रेजल एक्सल ने भी दिखा दिया तो मैं भी दिखा देता हूँ, उसके फैंस 3 मिलियन है यार, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 62 को ओ ब्रो 62 फैंस को क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में या मैं पूरा कैंसिल मैं इसको पूरा कट कर दूँ। ना ओ मैन ओके तो यहाँ से ये फंस गया, मुझे नेदरराइट वाला निकालना पड़ेगा। ये नेदरराइट लग ही रहा था पूरे बीच में आएंगे। ओके तो अभी तक मुझे कम पड़ रहे हैं, ये लास्ट लेयर है, होपफुली हो जाए, मैं और सैंड लाया हूँ, फिर भी ध्यान से करना होगा। ये कंप्लीटेड। अब मुझे ऊपर स्लैब्स लगाने शुरू करने पर स्लैब्स इनफ नहीं है, तो एक मिनट स्लैब्स तो गाइस जो मैं स्लैब्स लगाने वाला हूँ वो इनफ नहीं है यहाँ पे जाने के लिए, तो अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि नहीं तो मैं इनके ऊपर अब ये क्रिम्सन वाला लगाने वाला हूँ, तो ऐसे लगेगा शायद। गाइस मैं शायद से ही सही कर रहा हूँ, ओह मैन आई नीड बिल्डिंग, सीरियसली मेरे को अपनी बिल्डिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। ओके ओ ठीक है मुझे ओ माय गॉड ओके तो लगता है ये एकदम सही रहेगा। क्यों पिगलिन था पता नहीं, पर वो नेदर पोर्टल की तरफ क्यों भाग रहा था, कि उसको पता चल गया कि नेदर पोर्टल यहाँ पे है, भाई भागने में तो नेदर पोर्टल की तरफ है, भागा तो देख लेना। हाँ वैसे भाग जाने दो, मेरे को भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके ये साइड पे टफ होता है, मैं साइड पे पहले लगा दूँ क्या,
ओके मैं साइड में फिर से नहीं लगा पा रहा। ब्रो प्लीज गेट द हैक आउट ऑफ माय प्रोसीजन। गाइस मेरे को लगता है ये यहाँ पे जुड़ गया। ओके तो अब मुझे इसको पूरा कवर कर देना है, तो ये बहुत ही अच्छा हाउस बनने वाला है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही बनने वाला है। पर अब मेरे पास स्लैब्स नहीं है, तो ओह माय गॉड मेरे को और ट्री कटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे को और ट्री कटिंग करनी पड़ेगी शायद से, इसके बाद होपफुली ख़त्म ना हो, फिंगर्स क्रॉस। ओ नो शिट, मेरे पास बचा है अब सिर्फ फ्लोर, तो फ्लोर से ही काम चलाना पड़ेगा अभी तो। ओके वेट, मैंने अभी थोड़े बहुत पीसेस छोड़े थे। ओके गाइस मेरे पास ख़त्म नहीं हुए हैं, मेरे पास अभी 3 और बचे हैं। मैं 3 और मैं इन सब को जॉइंट नहीं कर सकता हूँ। हाँ सही में मुझे जाके माइनिंग कर लेनी चाहिए। ओके तो सारे ग्लासेस बन चुके हैं, अब मैं इन सबको पेन्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है पेन्स ग्लासेस की, तो फिर भी मैं इनको रेयर्स के चश्मे डाल देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही मिलते ना। लेफ्ट राइट नोबडी इज़ हियर। तो हाँ गाइस यहाँ पे कोई नहीं है, अब मैं आराम से ट्री कटिंग कर सकता हूँ। ओह वो डबल ट्री। तो लगता है गाइस मुझे 18 वुड एकदम सही होगी, क्योंकि पिछली बार भी 18 वुड ने कमाल दिखा दिया था। तो चलो देख देते हैं। ओके इस बार भी 18 वुड ने कमाल दिखा दिया है, 18 वुड इनफ है। और ये है बैम बैम तण 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 तण। ओ ये मैं एक और सीढ़ी लगा सकता हूँ ना। हाँ थोड़ा बहुत ऐसे और एक स्टिक, एक और बन गई यहाँ पे। तो मैं इसको चश्मे डाल देता हूँ, बाद में काम आ जाएगी। तो सारी चीज़ें अब मैं बढ़ा दूँ। ओके तो अब सब कुछ हो चुका है, बस एक काम रह गया है। गाइज मुझे लगता है मैं एपिसोड यहीं पे एंड ऑफ करने वाला हूँ। तो गाइज सो गाइज दिस इज फॉर द वीडियो, सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। एन एन 12 आउट। बाय गाइज़।